हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज अगेन मैं हेडे पे आई हूँ, मतलब कि अपने जानवरों के फॉर्म पे आई हूँ, जिसका नाम है हेडे। आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर मैं अपने जानवरों को खाना डालती हूँ, उनसे काम लेती हूँ, मतलब कि उनसे दूध लेती हूँ, अंडे लेती हूँ और फिर उन्हें खाना भी डाल देती हूँ। तो अभी फ़िलहाल ना हमारा सब चीज़, मतलब कि सब चीज़ें हमारी अपग्रेड हो चुकी हैं, सब कुछ हमें मिल रखा है। देखो, खाना भी मिल रखा है हमें, काऊ का खाना भी मिल रखा है और हमें एक और एक एनिमल है उसका भी खाना मिल रखा है। तो ये देखो, अभी मैं दोबारा से एक हैन का लगा लेती हूँ, मतलब चिकन का लगा लेती हूँ, और एक काउ का लगा लेती हूँ और एक इसका लगा लेती हूँ। इसका मैं नाम नहीं लेना चाहती, और ये आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं क्यों नहीं इसका नाम ले रही। खैर, अभी फ़िलहाल ना मैं यहाँ पर ना ये जो बड़े बड़े लेवल वाले हैं ये नहीं लगा रही, मैं ये छोटा वाला लगा रही हूँ ताकि मुझे मिल भी जाए एक हाथ अभी गेम के अंदर ही। और यहाँ पर हमारी सारी काउस बैठी हुई हैं आराम से। पहले मैं ये कट करके यहाँ पर उगा लेती हूँ ताकि हमारा टाइम जल्दी से जल्दी पास हो, मतलब कि जल्दी से जल्दी और ज़्यादा चीज़ें उगाएं। तो ये वाली भी कट कर लेती हूँ। हमारे पास ये 18 होती हैं जहाँ पर हम फसलें लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने ये वाली सीड्स लगाए, कॉर्न भी लगा सकती हूँ और शुगर केन भी लगा सकती हूँ, कैरेट भी लगा सकती हूँ, सोयाबीन भी लगा सकती हूँ, मतलब मैं हर चीज़ लगा सकती हूँ। यहाँ पर 5 चीज़ें हैं मेरे पास जो मैं 500 की 500 यहाँ पर लगा सकती हूँ अभी, और मैंने सबको बराबर बराबर तकसीम करके लगा लिया है। जो ज़्यादा जल्दी हो जाता है उसको मैंने ज़्यादा लगा लिया ताकि ज़्यादा मिल जाए मुझे, इकट्ठे हो जाए मेरे पास, फिर मैं बेच लूँगी पैसों के लिए या फिर मेरे काम आ जाएंगे। तो यहाँ पर दही मैंने लेके, चीज़ लेके अभी दोबारा से दही बनने पर लगा दिया, और अब ये हमारी काउस बिल्कुल रेडी हैं दूध देने के लिए। इनसे मैंने सबसे दूध भी ले लिया, अब मैं इनको खाना खिलाऊंगी, मतलब कि जितनी भी काउस है ना इन सबको खाना खिलाऊंगी तो ये दोबारा से दूध देने के लिए तैयार हो जाएंगी, और फिर मुझे एक घंटे बाद दोबारा इनके पास आना पड़ेगा। मतलब ये सिस्टम चलता रहता है, ये सिर्फ दूध देती हैं और भूखी होती हैं, दूध देती हैं और फिर भूखी हो जाती हैं, बस इनका यही सिस्टम है और इनके अलावा इनका कोई सिस्टम नहीं है। और इन चिकन्स का भी बस यही सिस्टम है, ये अंडे देती हैं और फिर भूखी हो जाती हैं, फिर अंडे देती हैं फिर भूखी हो जाती हैं, तो बस इनका यही काम है। तो इनके साथ ना ये सब करना ही पड़ता है क्योंकि इन दोनों का है ही बस सिर्फ यही काम। अभी फ़िलहाल मेरे पास ये दो लेडीज़ आई हैं, क्या मांग रही है? कैरेट मांग रही है, लेकिन नहीं, ये बहुत सस्ते में मांग रही है, और दूध की नहीं, ये भी बहुत सस्ते में मांग रही है। इतने सस्ते में मैं नहीं दे रही यार, क्योंकि मुझे ना जब बनाना पड़ता है तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसी वजह से मैं नहीं इतने सस्ते में दे सकती। खैर, फ़िलहाल हमारी एक चीज़ तैयार हो चुकी है, इसको मैं बेच देती हूँ, मतलब कि इसको मैं बस में भेज देती हूँ, फिर मुझे पैसे मिलेंगे। और यहाँ पर हमारा कोई मिशन नहीं पास हुआ इसकी, नहीं अभी ये भी हमारे पास कोई चीज़ नहीं है। ये हमारी कोई मशीन थी जो कि अब खुल चुकी है, पॉपकॉर्न पॉट था जो अब खुल चुका है, तो इस पर मैं दोनों पॉपकॉर्न बनाने के लिए लगा देती हूँ। कॉइन्स भी मुझे मिल चुके हैं, लेकिन आई थिंक सो, ओ ये भी था ना मेरे पास, ये वो था ना ब्राउन शुगर, ओ ये भी मुझे मिल गया, और ये भी मैंने दोबारा बनने पर भी लगा दिया। तो अभी मेरे ख्याल से शायद मेरे पास कोई और ऑर्डर नहीं है जो मैं भेज सकूं। कॉर्न तो अभी तक हमारी बनी है, मतलब कॉप कहने वाली थी, पॉपकॉर्न तो नहीं बने अभी तक हमारे। ओ ये देखो, हमारी ये सीड्स कितनी जल्दी बन गई हैं, मतलब बहुत जल्दी बन गई हैं, तो लाइक पता ही नहीं चला टाइम का, फ़ौरन से बन गई। अच्छा, ये वीट है, ये बहुत जल्दी बन जाती है वैसे, तो इसको मैंने दोबारा बनने पे लगा लिया। मतलब एक लगाते हैं तो हमें दो मिलती हैं, तो ये बस है कि अगर दो लगाओगे तो चार हो जाएंगी, फिर दोबारा से दो लगा लो, इस तरह कर सकते हो। यहाँ पर हमारा व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है, इसको भी हिला के देखते हैं इसके अंदर से मुझे क्या मिलता है आज। ये क्या है, ये पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन कुछ भी मिला है मुझे, मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, बट चलो ठीक है, कुछ ना कुछ तो मिल गया फ्री में। ये क्या है, ओ 62 कॉइन्स भी मुझे मिल गए, मतलब ये इधर यहाँ पर कोई ख़जाना पड़ा होता है कभी ना कभी, तो वो मुझे मिला है आज, बाकी कोई ख़जाना नहीं आई थिंक सो यहाँ पर। यहाँ पर और तो कोई ख़जाना नहीं है फ़िलहाल। मैं इस पेपर को चेक कर, न्यूज़पेपर को चेक कर लेती हूँ कि ये क्या कह रहे हैं। अच्छा, ये कोई ग्रेग मेरे ख्याल से उसने कोई सेल लगाई हुई है कि ये चीज़ें हैं, लेकिन 10x 36 नहीं यार, ये मुझे नहीं लेनी, मुझे क्यों चाहिए भला, ये मेरे पास है ना चीज़ें, मैं अपनी चीज़ें सेल करूँगी। अभी ये फ़िलहाल मैं ग्रेग के फॉर्म पे आई हूँ, और ग्रेग का फॉर्म बहुत खूबसूरत है, लाइक बहुत मज़े का है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अब मैं अपने फॉर्म पर दोबारा से आ गई हूँ,
अभी फ़िलहाल मेरे अपने पता नहीं शॉप पे कोई चीज़ सेल हुई है या नहीं हुई, ये भी नहीं खुदरा, मतलब कि ये चीज़ है ही नहीं मेरे पास उठाने के लिए, तोड़ने के लिए भी कुछ नहीं है अभी फ़िलहाल ना मेरे पास कुछ भी नहीं है। और पैसे भी अभी जब तक मेरे पास फुल पैसे नहीं हो जाते मैं कुछ और भी नहीं ख़रीद सकती। ये तो काफ़ी महंगा है और ये 730 में है, ये भी मैं नहीं ख़रीद सकती अभी। पॉपकॉर्न पॉट तो है ना मेरे पास, वो मैंने ख़रीद लिया पहले ही, मतलब कल परसों मैंने ख़रीदा था वो। और ये बारबेक्यू ग्रिल है लेकिन ये अभी मैं ख़रीद नहीं सकती क्योंकि 730 रुपीज़ में और मेरे पास कॉइन्स बहुत कम है। और ये सब चीज़ें तो डायमंड्स में मिलती हैं, डायमंड्स तो हैं ही नहीं मेरे पास। अच्छा एक ये वाला घर भी मैं रख सकती हूँ उस वाले एनिमल का, बट अभी मेरे पास स्पेस भी नहीं है ना, स्पेस कम है अभी मेरे पास, तो मुझे पहले स्पेस बनानी है, अच्छे से स्पेस बन जाए फिर मैं उसको लेके आ सकती हूँ। वैसे मैं कैसे सेटिंग करूँ कि यहाँ पर स्पेस बन जाए अच्छी सी एक और एक कोई चीज़ लगाने के लिए। यहाँ पर मैं हेन का खाना तो मैंने लगा लिया, ये भी मुझे मिल गया, ब्रेड है ये, और एक और मैंने बनने के लिए लगा लिया। इसको इधर रखो, ठीक है, ज़्यादा उधर नहीं जाता, थोड़ा बहुत ही जाता है, मतलब ये नहीं जा रहा उधर, ये घर के बिल्कुल साथ अटैच नहीं हो सकता। ओके यहाँ पर हुआ है, ये भी नहीं जा रहा, मतलब रेड का ऑप्शन यही है कि वो वहाँ पर जगह नहीं है अगर रेड हो रहा है तो। बट इसको मैं कहाँ रखूँ कि एक ऐसी स्पेस बन जाए ना कि मैं एक और एक घर उस एनिमल का ला के यहाँ पर लगा सकूँ ताकि फिर उसका भी काम स्टार्ट हो जाए, जो भी उसका भी काम है, क्योंकि वो तो हमारा पहले ही अनलॉक हो गया था ना काफ़ी दिन पहले, तो बस स्पेस की वजह से मैं अभी तक उसे नहीं ला रही थी। ये इधर लगाती हूँ, इसकी ये वाली दोनों भी इधर साइड पे लगा देती हूँ यहाँ पर ऐसे। और अब इसकी ये जो ये वाला पॉट है ये भी मैं यहाँ पर लगा लेती हूँ बिल्कुल साथ जोड़ के, और इसको भी यहाँ पर साथ जोड़ के लगा लेती हूँ। और शायद से काऊ वाला इधर आ जाए, इतनी स्पेस अगर हुई ना तो काऊ वाला अगर इधर आ गया तो वहाँ पर शायद वो वाला एनिमल फॉर्म आ जाएगा, देखती हूँ ट्राई करती हूँ, वैसे पक्का तो नहीं पता लेकिन शायद से आ जाए, आ जाएगा, आ गया, मतलब ये यहाँ पर आ गया, अच्छी बात है। अब ये वाला यहाँ पर आ गया, अब बस सिर्फ एनिमल लाना है इसके अंदर मुझे, लेकिन एनिमल के लिए मेरे पास पॉइंट्स कम हो गए, अब 296 हो गए और उसके लिए मुझे 500 चाहिए। तो चलो मैं और ज़्यादा पैसे कमाऊँगी फिर उसके बाद में उसको भी इधर ले आऊँगी। मतलब ये सब एनिमल्स हमने इस पूरे फॉर्म को पूरे एनिमल्स इन सब चीज़ों से भरना है, अभी इसमें बहुत कुछ करना है और बहुत कुछ करने के लिए आप लोगों ने मेरे साथ साथ रहना है। अभी वीट मैंने वो वाली कट कर ली, ये भी कट कर लेती हूँ, कॉर्न है ये भी कट कर लेती हूँ, और यहाँ पर कुछ और भी बनने के लिए लगा सकती हूँ। अभी फ़िलहाल मेरा कोई और तो मिशन पास नहीं हुआ क्योंकि कॉर्न अभी हमारी पॉपकॉर्न तो अभी तक बनी नहीं है ना, तो ज़्यादा मिशन पॉपकॉर्न वाले हैं लेकिन वो अभी तक हमारा पास नहीं हुआ। डेयरी भी अभी तक उसी तरह ही है, मतलब डेयरी में भी कुछ भी नहीं हो रहा, वो चीज़ें बस बन रही हैं और साथ साथ घूम रही हैं, मतलब अभी काफ़ी टाइम है और मैं दोबारा से आऊँगी फिर जाके ये चीज़ें लूँगी और फिर जाके दोबारा से अपग्रेड करूँगी। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगती है मेरी, इस गेम में आप लोग और क्या क्या देखना चाहते हैं। अगर अच्छी लगती है तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है, मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।